तो वेलकम कैसे हो आज हम फिर से फार्मिंग सिमुलेटर के और एक न्यू एपिसोड के साथ। और लास्ट वाली एपिसोड में मैं तय कर लिया मेरे को बस जमीन के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि भाई जमीन है तो भाई पैसा है, और पैसा है तो भाई चश्मा कहाँ है मेरा, पैसा है तो भाई सच में मैं राजा बन सकता हूँ। तो चलो भाई मजाक छोड़ो, हाँ लास्ट टाइम मैं 4.5 लाख चश्मा कहाँ गया मेरा, ठीक है सही सलामत है भाई। लास्ट टाइम मैं 4.5 लाख का जमीन खरीद लिया, और उसको खरीदने के बाद मेरे पास $500 या $700 के आसपास है। बट ठीक है कोई बात नहीं, मेरे जमीन के पीछे मतलब मेरा जो फार्म है उसके पीछे 2 जमीन और भी है, और उसको खरीदने के बाद आसपास जितना सारा जमीन है मेरे कब्जे में आ जाएगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट। आज मेरे को बिल्कुल मन लगा के काम करना है और पीछे का जो जमीन है उसको खरीदना है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। वेट भाई, आप लोग करो सब्सक्राइब, और वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। तो चलो भाई लेट्स स्टार्ट। तो वेलकम माय फार्म, और मैं रात के टाइम आ गया भाई। आज पूरा प्लान करके मेरे को खेलना है। हाँ पीछे का जो ज़मीन है पहले एक बार चेक कर लेता हूँ, ये मेरा फार्म है, और पहले ये देख लेता हूँ ये $1,00,000 और पीछे $1,50,000। चलो कोई बात नहीं भाई, हो जाएगा भाई, पैसा बन जाएगा, क्योंकि भाई मेरे पास बहुत सारा ज़मीन है और मैं रात के टाइम आ गया भाई। इधर क्या काम है एक बारी देखना पड़ेगा, इधर कल्टीवेट करना पड़ेगा और मेरा इधर भी कल्टीवेट करना पड़ेगा। हाँ तो हार्वेस्टर मशीन के अंदर 97% कैनोला है, इसको खाली करना पड़ेगा। ये हमारा ट्रैक्टर, ये हमारा ट्रॉली, चलो भाई। और ये वाला हार्वेस्टिंग के अंदर कुछ है या देखना पड़ेगा एक बारी। पहले ये अटैच हो जा भाई, अटैच हो गया, और पहले ये वाले को ये वाले साइड में जाता हूँ, क्या पता कुछ मिलेगा तो भाई सब। हाँ कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो लोचा है भाई, कुछ तो गिर रहा है, मतलब कुछ था इसके अंदर। और ये ख़त्म हो गया 29% भाई, बहुत है 29%, लगभग 30। तो ये हम लोग आ गया इस हार्वेस्टिंग मशीन के पास। भाई डाल दे, क्या है तेरे अंदर, डाल दे। हाँ भाई साहब 50, 60, 70, 80 हो जा, बस 78% हुआ। ठीक है कोई बात नहीं, इसको लगा देता हूँ साइट पे। चलो ये वाला जगह सही है, डी अटैच कर, डी अटैच हो गया। और ये वाला ज़मीन, सामने वाला ज़मीन हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गया। मेरा हार्वेस्टर कहाँ है, तो ये लगा दिया हेल्पर, काम ठीक से चालू हो गया। मेरे पास देखो भाई 700 के आसपास था, बोला था भाई $700 है। चलो और स्टैटिस्टिक चेक कर लेता हूँ एक बार, स्टैटिस्टिक में क्या है। ऊल है मेरे पास मिल्क है, पहले बेचना चालू करता हूँ। ये हमारा कार, इसको लेके पहले मिल्क देख लेता हूँ, मिल्क क्या है इसके अंदर, कितना मिल्क है भाई, लगा दे। हाँ भाई ये अटैच हो गया, मिल्क बस 25% हुआ है, और इसके अंदर खाना पानी है ना, एक बार देख लेता हूँ। हाँ मिल्क के अंदर थोड़ा बहुत ग्रास है, मतलब इधर खाना पानी बन जाएगा। और 25% इसको भाई बाद में देखेंगे, इसको छोड़ो भाई, ऊल फार्म के पास चलते भाई। आराम से हिलते दुलते आ गया भाई ऊल फार्म के पास, और इधर अटैच हो जा भाई साहब। हाँ अटैच तो हो गया, इसके अंदर कुछ भी नहीं बना। एक बार इसके अंदर नहीं, कुछ तो बनेगा भाई, कुछ तो बन रहा है भाई, कुछ तो मिलेगा मेरे को। और ये बस 26 भाई, और थोड़ा सा मिल जाता तो भाई सब फ़ायदा हो जाता। ठीक है कोई बात नहीं, इधर ग्रास है ना, एक बार चेक करना पड़ेगा, इसको डी अटैच कर। बस इसके अंदर थोड़ा सा ताक झाक, हाँ इसके अंदर भाई ग्रास तो है, लेकिन भाई ठीक है जितना सारा ग्रास है भाई काम चल जाएगा। और गाय फार्म के अंदर ग्रास है, हाँ गाय फार्म के अंदर भी ग्रास है, इधर से ही मेरे को दिख गया, ये मिल गया। हाँ गाय फार्म के अंदर भी ग्रास है, और उधर भाई ग्रास खेत के अंदर भाई मेरे को बहुत सारा ग्रास ब्लॉक मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम ये नहीं उठाया था, बस इसको उठाना पड़ेगा, और इसको लिए एक ट्रैक्टर का ज़रूरत पड़ेगा। तो चलो भाई मेरा पूरा सेटअप लेके इधर आता हूँ। तो भाई आ गया भाई मेरा पूरा सेटअप लेके इधर, और इधर का जितना सारा घास बंडील है आधा भाई गोट फार्म के अंदर दे दूंगा, और आधा भाई काउ फार्म के अंदर दे दूंगा। तो जल्दी फटक से ये काम करना पड़ेगा, और ये मन लगा के करो भाई। ये उठा दिया पहला,
तो देखो भाई पूरा 50% भर गया। बस ये खाना मैं पहले काउ फार्म के अंदर दे दूंगा और बाद में जितना सारा ये इधर देखो पीछे बहुत सारा अभी भी घास बंडल पड़ा है इसको मैं गोट फार्म के अंदर दे दूंगा। और मैं भूल गया था ये वाला ज़मीन मेरा है तो इसके अंदर मैं डायरेक्टली भाई जो स्वाइन मशीन है उसको मैं चला सकता हूँ। तो चलो इसको लेके और मेरा स्वाइन मशीन को इधर लाना पड़ेगा। और मेरा स्वाइन मशीन कहाँ है भाई, दिख नहीं रहा है। तो भाई हाँ, तो मैं आ गया इधर काउ फार्म में। इधर जितना सारा घास बंडल है इसको दे देता हूँ। चलो भाई आराम से खाना और ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करना, ठीक है। चलो भाई इसको लेके मेरा जो घास खेत है उसके अंदर, और ये हमारा जो अबे और ये हमारा स्वाइन मशीन, इसको लेके भाई जाना पड़ेगा उधर, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको लगाओ इधर, और इधर एक ट्रैक्टर खाली पड़ा इसको लेके भाई जाता हूँ, ठीक है। तो भाई साहब मैं आ गया मेरा सबसे अच्छा और सबसे बड़ा वाला ज़मीन के पास, और इधर से मेरे को बहुत माल एक ही बार में मिल जाएगा। तो चलो इसको लगा दिया। हेल्पर को भाई ठीक से काम करना, बहुत ही बड़ा ज़मीन है, आराम से करना, ठीक है। हाँ लगा दिया। और क्या क्या काम है एक बार देखना पड़ेगा। इधर का काम चालू रहेगा भाई। हाँ ये जो पेट्रोल पंप के बाजू में ये जो ज़मीन है इसके अंदर कल्टीवेटर मशीन को चलाना पड़ेगा। तो चलो भाई ये कल्टीवेटर मशीन को इधर लगा देता हूँ, ठीक से काम करना बेटा, ठीक है। और इधर हार्वेस्टिंग के अंदर भाई 39% कैनोला है, बस इसको खाली करना पड़ेगा। मेरा ट्रॉली कहाँ पर है, वो रास्ते के बिल्कुल पास। हाँ आ गया भाई मेरा हार्वेस्टिंग मशीन लेके ट्रॉली के पास, और इधर पूरा खाली कर दिया। चलो ये मशीन इधर ही रहने देते हैं। और मेरा कल्टीवेटर मशीन कहाँ पर है, ये ट्रैक्टर नहीं चाहिए मेरे को, और एक अच्छा वाला ट्रैक्टर चाहिए। ये वाला ट्रैक्टर उठा नहीं पाएगा। और अच्छा वाला ट्रैक्टर कहाँ पर है, इधर एक काम कर रहा है ये वाला ट्रैक्टर। चलो इसको भाई डी अटैच कर, इसको लेके जाता हूँ भाई। ये वाला ट्रैक्टर हॉर्स पावर बहुत ही ज़्यादा है, तो इसको लेके मैं जाने वाला हूँ। मेरा जो कल्टीवेटर मशीन है बहुत ही बड़ा है सामने, इसको लगाना पड़ेगा। और एक साथ एक दो तीन चार, चार खेत के अंदर मेरे को भाई ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा। और हाँ भाई मेरे को और एक ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि भाई मेरा खेत भर गया तो इसलिए मेरे को और एक ट्रैक्टर का ज़रूरत पड़ेगा। तो चलो पहले इसको अटैच कर। तो ये लगा दिया हेल्पर को, भाई साहब ठीक से काम करना बेटा। और मेरा कार को लेके चलो, जितना सारा कैनोला है पहले बेच के आते हैं, ठीक है ना। और कैनोला का डिब्बो कहाँ पर है, कैनोला का डिब्बो सामने मिल गया। तो 97% भाई बहुत है, बस 3% ही काम है। तो चलो भाई प्राइस का अच्छा मिल रहा है, एक बार देखना पड़ेगा मेरे को। भाई साहब हर बार के पास बहुत ही अच्छा खासा दे रहा है, और ठीक देख रहा हूँ ना, एक बार हाँ हर बार सबसे महंगा दे रहा है। तो चलो भाई हर बार बिल्कुल सामने है भाई। तो भाई हम लोग आ गए हर बार के पास, और इधर भाई पूरा डाल। भाई जल्दी कर अरे भाई मेरा काम बंद कर दे। अरे भाई ये पहली बार हुआ है मेरे पास जीरो हो गया था पूरा बैंक बैलेंस, ठीक है। मेरे पास फिलहाल 51,000 हो गया, एक ही झटके में मेरे पास $51,000 बन गया। तो चलो भाई फिर से फार्म के अंदर, और इधर बहुत सारा काम है। तो भाई साहब हमने आ गया मेरा फार्म के पास भाई, और भाई रास्ते के उस पार भी मेरा फार्म है और इस पार भी मेरा फार्म है, क्योंकि भाई इधर भी ज़मीन मेरा ही तो है भाई। तो इसलिए ये इधर इसको इधर ही रखने देते हैं, और मेरा जितना सारा घास बंडल है उठाना पड़ेगा। तो चलो भाई, तो भाई मैं फिर से आ गया जितना सारा घास ब्लॉक पड़ा है उसको उठाने के लिए। भाई ये काम पहले ना कंप्लीट करना चाहिए था, तो चलो जल्दी ये काम पहले कंप्लीट कर देता हूँ। हाँ लास्ट टाइम जितना सारा ब्लॉक था गाय फार्म के अंदर दे दिया था, बस गोट फार्म बचा है, और सारा का सारा ब्लॉक उठा के भाई गोट फार्म में दे दूंगा, ठीक है। भाई साहब पूरा 100% उठा लिया, देखो अभी भी ब्लॉक पड़ा है। तो मैं काम करता हूँ भाई, जो ऊल का प्राइस है बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए मैं काम करता हूँ फटाक से ये 100% ऊल फार्म के पास छोड़ के आऊँगा, और जितना सारा छोटा मोटा मतलब दो चार पड़ा है इसको लेके भाई गाय फार्म के अंदर दे दूँगा, ठीक है। चलो भाई, तो भाई साहब मैंने फिर से आ गया भाई, जो घास बंडल पड़ा है इसको उठाने के लिए जितना सारा था वो दे दिया। बस भाई ज़मीन के अंदर बहुत सारा काम रह गया, पहले ये काम ठीक कर देता हूँ,
ठीक है, एक काम करता हूँ भाई, कौन कौन जो ये वाला काम कंप्लीट है इसको बंद करो, अबे इसको बंद करो, और इसको बंद करके लेके जाऊंगा बिल्कुल पेट्रोल पंप में, क्योंकि भाई उधर भी मेरे को लग रहा है कल्टीवेट का काम हो गया, तो जल्दी फटाक से इसको लेके चलो भाई मेरा जो पेट्रोल पंप है उसके अंदर। तो भाई साहब हम लोग आ गए पेट्रोल पंप के बाजू में, और इधर एक हेल्पर लगा के काम करा लेता हूँ, ठीक है, इधर का काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, बस उधर को उसको हटाना है मेरे को जो, हाँ ये वाला इसको हटाना है, ये वाला नहीं, 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 नहीं ये वाला नहीं भाई 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 भाई, भाई ये वाला इसको बंद कर, और इसको भाई रख देता हूँ इस साइड में बिल्कुल, हाँ ये वाला साइड सही है, नहीं 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 इसको लेके जाता हूँ, ठीक है इसको लेके जाता हूँ, क्योंकि इधर एक खेत कल्टीवेट हुआ है, अभी भी तीन खेत कल्टीवेट होना बाकी है, तो एक काम करता हूँ भाई एक एक को एक एक जगह पे लगा देता हूँ, पहले एक काम करता हूँ छोटा में जो छोटा वाला खेत है उसके अंदर ये छोटा वाला कल्टीवेटर चला देता हूँ, ये वाला बड़ा वाला कल्टीवेटर इसको बंद कर, बंद करने के बाद इसको लगा देता हूँ ये सामने वाला ज़मीन में, ठीक है चलो भाई लगा दिया इधर भी हेल्पर, और भाई साहब मेरा जो घास बंडील है भाई इसको फटाक से उठाना पड़ेगा भाई, बहुत दिन से मतलब बहुत टाइम से मैं सोच रहा था ये काम पहले कंप्लीट करूं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं भाई ऐसा तो चलता रहता है। तो भाई फाइनली मैंने पूरा ज़मीन देखो उठा लिया, ज़मीन नहीं सॉरी पूरा घास ब्लॉक उठा लिया, फिर भाई इसके अंदर 50% हो गया, तो चलो भाई ये काम करता हूँ ये गाय फार्म के अंदर दे देता हूँ, ये ले तेरा खाना ले बेटा तेरा खाना ले, साला बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लिया, चलो इसको लगा देता हूँ साइट पे, और खेत के अंदर क्या क्या काम है वो भी देखना पड़ेगा मेरे को। चलो इधर बस हो ही गया, थोड़ी देर में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, और मैं इसको लगा देता हूँ पीछे वाला जो ज़मीन है उसके अंदर, ये लगा दिया हेल्पर को भाई ठीक से काम कर रहा, नहीं तो भाई पगार नहीं मिलेगा, ठीक है ये काम सही से कर रहा है, और जो स्वाइप मशीन है वो काम है, अभी भी स्वाइप नहीं हुआ क्या बात है भाई जल्दी करना, और इधर भाई कल्टीवेट का काम हो गया इसको बंद करो, और इसको सीधा लेके चलो भाई पेट्रोल पंप के बाजू में। तो भाई साहब हम लोग आ गए पेट्रोल पंप के बाजू में, बस स्वाइम करने का और एक टर्न बाकी रहेगा, ठीक है कोई बात नहीं ख़त्म कर जल्दी, हाँ इधर का काम कंप्लीट है, और इसको बंद करो इसको लेके चलो भाई, बहुत सारा काम पड़ा है भाई, चार चार खेत स्वाइम करना पड़ेगा, चलो भाई तो आ गया भाई इधर, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला से शुरू करता हूँ, तो जल्दी काम कर बेटा बहुत सारा खेत कर स्वाइम करना है जल्दी, और एक स्वाइप मशीन मेरे को चाहिए, और स्वाइप मशीन का प्राइस क्या है भाई, फिर से मैं फंस रहा हूँ, नहीं भाई सच में एक मेरे को एक स्वाइप मशीन चाहिए, और एक ट्रैक्टर का ज़रूरत पड़ेगा, स्वाइप मशीन स्वाइप मशीन, अरे कहाँ पर है भाई, हाँ ये हमारा स्वाइप मशीन, और भाई साहब इससे बड़ा वाला ये वाला, और इसका प्राइस 58,000, इतना कम, जब फर्स्ट टाइम भाई खेलता था भाई ये स्वाइप मशीन का प्राइस देख के भाई सच में मैं हिल गया था अंदर से, ठीक है कोई बात नहीं भाई ये बाद में खरीद लूँगा, और मेरे को लगता है भाई प्राइस अब सही सेट हो गया ना, हाँ इन सबसे महंगा दे रहा है अभी भी, इन बहुत ही अच्छा खासा हो ही जाएगा थोड़ी देर में, चलो इन जाते जाते भाई ठीक हो जाएगा, मेरे को भाई वेटिंग करना ही नहीं है, पीछे आ जाओ लग जाओ थोड़ा सा और माल, और थोड़ा सा और माल नहीं मिलेगा, चलो भाई कोई बात नहीं चलो इनके पास, और ये भाई देखो इधर छोटा छोटा पौधा आ गया भाई, देख के ना भाई मेरे अंदर से एक अलग ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये ज़मीन सबसे बड़ा है, और इसको मैं हार्वेस्टिंग करूँ तो एक बार बहुत सारा माल मेरे को मिल जाएगा, और खुशी खुशी में मैं रास्ता भूल गया, ठीक है इनका रास्ता, ओ अच्छा मिल गया इनका रास्ता सामने, प्राइस प्राइस को पता नहीं, बस ज़्यादा भी ले तो भाई पीछे के जो ज़मीन है वो ख़रीद पाऊँगा 67, ठीक है, और ऊल भी बेचना पड़ेगा, और ऊल मेरे को लग रहा है कि वो भी 40% हो गया होगा, और इधर बहुत सारा पेड़ है भाई, भाई देखो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है भाई, अगर काट दूँ तो भाई कैसा लगेगा,
ठीक है भाई, जितना सारा पेड़ काटा था भाई उसको भाई उगाने के लिए मेरे को ट्रिम करना पड़ेगा, बट वो ट्रिम अभी भी नहीं करा। तो भाई आराम से लग जा, आराम से लग जा, आराम से आराम से आराम से। हाँ एटास तो हो गया 46 भाई साहब, इस बार होएगा असली मज़ा। लेकिन भाई इधर का जो काम सौंपा था वो अभी भी चल रहा है, और भाई पीछे पीछे इधर का पूरा काम, मतलब मेरे को बस अब स्वाइम करना है। ठीक है, स्वाइम एक ही मशीन है वो तो चल रहा है, और मैं उल और थोड़ा सा उल मेरे को मिलेगा क्या? 50% पूरा कर देना भाई साहब, थोड़ा सा और दे दे, थोड़ा सा और नहीं भाई, 46%। ठीक है कोई बात नहीं, प्राइस तो अभी तक सेट नहीं हुआ, स्पेनरी कुछ ज़्यादा ही देने के लिए तैयार है भाई। हाँ भाई बस देखता जाओ भाई, 6700 के आसपास चला गया। चलो मैं जाते जाते और भी पैसा भर जाएगा, और जल्दी चलो स्पेनरी के पास। तो भाई साहब मैं आ गया स्पेनरी के पास, और इधर इसको डाल दे भाई, और थोड़ा सा 92 भाई, 92,000 बना लिया, और मेरे को और बस थोड़ा सा पैसा जुगाड़ करना है। 1,00,000 हो जाएगा तो भाई पीछे का एक ज़मीन मेरा हो जाएगा। तो चलो भाई बस थोड़ा सा और पैसों का जुगाड़ करना है, और एक काम करता हूँ भाई। ठीक है पहले फार्म के अंदर चलो। तो ये हम लोग आ गया उल का ट्रॉली लेके, बस इसको इधर रख दो, 3% मिल गया देखो। ठीक है इसको डीअटैच करो, फिलहाल कोई काम इधर का काम कंप्लीट है क्या एक बार देखना पड़ेगा। हाँ भाई साहब इधर का काम मेरे को कंप्लीट लग रहा है। ठीक है इधर का काम कंप्लीट है, पहले जितना सारा भरा वाला ज़मीन है सबको पहले स्वाइम कर लेता हूँ। लगा दिया इधर हेल्पर को, ठीक से काम करना भाई। देखो पहले मेरा स्टेटिस्टिक सब कुछ खाली है, नहीं तो केरला मेरे पास है, कोई मिल्क भी नहीं है, उल भी नहीं है भाई, और ये फर्स्ट टाइम हुआ मेरे पास कुछ भी नहीं है। चलो भाई कोई बात नहीं, पैसों का जुगाड़ मैं यूं ही कर लूँगा, बस थोड़ा टाइम का वेटिंग। बस उधर का जो पीछे का जो खेत है उसके अंदर अगर हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाए तो भाई मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। हाँ इधर का पूरा कल्टीवेटर का काम हो गया, इसको बंद करो और इसको लगा देता हूँ साइड पे। ओ हाँ भाई मेरे पास और एक काम है भाई, पेड़ काटने का काम। चलो फटाक से मेरा जो पेड़ कटिंग सिस्टम है उसको लेके जाता हूँ। ओ भाई साहब, भाई इधर आने के बाद देखा भाई इधर बहुत सारा पेड़ लास्ट टाइम काट के गया था, वो अभी तक नहीं उठाया भाई। मेरे को पेड़ काटने का भी ज़रूरत नहीं है, बस इसको लेके चलो, जितना सारा पेड़ है उसको उठाओ और हेल्पर के मदद से इसको भेज दो। भाई साहब कितना काम आसान हो गया, तो जल्दी चलो भाई। तो भाई हम लोग आ गया फॉरेस्ट साइड में, और इधर जितना सारा पेड़ है पहले उठा लेता हूँ। एक बार फार्म के अंदर क्या हो रहा है वो भी एक बार चेक करके आता हूँ। हाँ इधर का काम कंप्लीट है, इसको बंद करना पड़ेगा, इधर कंप्लीट है, और बस पीछे का जो ज़मीन है उसके अंदर मेरे को स्वाइम मशीन चलाना पड़ेगा, और ये सामने वाला ज़मीन के अंदर। पहले काम करो, पीछे जो ज़मीन है उसके अंदर स्वाइम मशीन चला देता हूँ। ठीक है ये हम लोग आ गया इधर, और इधर लगा देता हूँ हेल्पर को। हाँ हेल्पर को लगा दिया, चलो भाई। हाँ इधर भाई फटाक से काम कर लेता हूँ। ठीक है और ए काटे ये वाला नहीं भाई साहब, ये वाला नहीं, और इधर का जितना सारा काम है फटाक से कर लेता हूँ। जल्दी उठा पेड़ को, तो चलो भाई पूरा 100% भर गया। देखो पूरा 100% लोड हो गया, और प्राइस एक बार चेक करना पड़ेगा। सबसे पेड़ का प्राइस भाई ये देखो भाई आप हो रहा है हर बार के पास, और मेरे को लग रहा है अगर हेल्पर की मदद से भेजूँ तो भाई जाते जाते भाई पूरा आप हो जाएगा, और पैसा भी मेरे को ज़्यादा मिलेगा। तो चलो एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा रोड पे लेके आता हूँ। अब कहाँ जा रहा है बेटा भाई, ये पे रास्ते के ऊपर मत छोड़, किसी ने लेके भाग जाएगा भाई। बस आराम से रास्ते के ऊपर आ, इधर से ना इसको ना शॉर्टकट एक काम कर दो, इधर से इसको शॉर्टकट भेज देता हूँ। ठीक है सीधा भाई ले चलो वो सामने वाले रास्ते के बिल्कुल ऊपर, और उधर से हार्बर जाने का शॉर्टकट रास्ता मिल जाएगा। तो भाई इधर से मैं हार्बर के पास भेज देता हूँ शॉर्टकट रास्ते से, ये वाला।
चलो ये सीधा जाके सामने जाके रास्ते के ऊपर आ जाएगा और उधर से मेरे को लग रहा है भाई चला जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं, इसको जाने दो। और इधर का क्या काम है? अच्छा इधर धक्का मुक्की हो गया ना, ठीक है ये ऐसा भाई होएगा भाई मेरे को पता है। इसको करो बंद, पीछे आ जा। तो भाई तू पहले बता रास्ते के ऊपर क्या कर रहा है तू? भाई तेरे को खेत के ऊपर छोड़ गया, तू रास्ते के ऊपर चला आया। भाई इधर का पूरा काम कंप्लीट है क्या? एक बार देख लेता हूँ। क्या बंदा है, देखो भाई क्या बंदा है। इधर भाई इसको काम करने के लिए दिया और इसको बस इतना तक ही काम करा। देखो इतना तक काम करने के बाद ये इसको लेके सीधा रास्ते के ऊपर चला गया, उधर जाके भाई मेरा जो हार्वेस्टिंग है उसको वो मशीन के ऊपर भिड़ा दिया। भाई साहब बताओ मैं क्या करूँ, इसको फिर से इसको लगाना पड़ेगा। हाँ नहीं तो ये वाला सीजन भाई इसको ऊपर लगा देता हूँ। भाई सच में ये तो दिमाग खा जाएगा, लगा दिया। अरे कहाँ जा रहा है भाई, ये कहाँ जा रहा है भाई? अरे बेटा इधर नहीं, इधर लगा दे साला कमीने। भाई मेरे को खुद ही करना पड़ेगा ये वाला काम। और चलो इस एक काम करता हूँ, ये काम मैं खुद ही कर लेता हूँ और मेरे को इधर से ये काम करना पड़ेगा। ऑल राइट ये काम फटक से मैं खुद ही कर लेता हूँ। हाँ पैसा मेरे को मिल रहा है, देखो 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 मेरे को पैसा मिल रहा है। भाई 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 साहब कितना पैसा होएगा? 1,00,000 हो गया, 1,11,000, 1,11,000। और मैं पीछे का जो ज़मीन है वो ख़रीदने वाला हूँ, लेकिन पहले ये वाला खेत मेरे को खुद स्वाइन करने दो, फिर बाद में ये पीछे का जो खेत है उसको ख़रीद लूँगा। चलो भाई तो भाई साहब देखो पूरा खेत मैंने खुद मेरे हाथों से स्वयं कर दिया और बहुत दिन बाद करा भाई, कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। ठीक है कोई बात नहीं भाई, पूरा खेत मैंने स्वयं कर दिया। बस उधर इसको बंद करो और उधर एक ज़मीन मेरे को स्वयं करना पड़ेगा और भाई पीछे एक ज़मीन है बस उसको मैं ख़रीदने वाला हूँ। तो चलो भाई साहब मेरा जो पीछे ये वाला ज़मीन इसको मैं $1,00,000 से मैं ख़रीदने वाला हूँ। तो चलो येस करा, हो गया मेरा ज़मीन। तो भाई फाइनली मेरे को नया वाला ज़मीन मिल गया और ये 1,00,000 में ख़रीदा। और पीछे और एक ज़मीन है $1,50,000 ही, वो वाला ख़रीदूंगा नेक्स्ट वाला एपिसोड में। मिलता हूँ नेक्स्ट वाला एपिसोड में, तब तक के लिए अच्छा रहना, खुश रहना। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। टाटा गाइज़।